नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। फास्ट न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। हरीश तिवारी का आमरण अनशन जारी। जी हां, बताते चले कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जनपद पंचायत जवा से सेवा सहकारी समिति मारिदित पनवार के सामने 8 सूत्री मांगों को लेकर लोकसभा प्रत्याशी एवं समाज सेवी हरीश तिवारी द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2021 से आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। मांगों का ज्ञापन 17 अगस्त 2016 को तहसीलदार जवा, सीईओ जवा तथा 16 अगस्त 2021 को कमिश्नर राजस्व संभागा रीवा को सौंपा गया, किंतु अभी तक बचत बैंक पनवार के घोटालेबाज बैंक कर्मियों के विरुद्ध तथा ग्राम पंचायत लटियायाल, ग्राम पंचायत गहिलवार, ग्राम पंचायत छतैनी में जतरी बसौड हरदोली के विरुद्ध जांच कर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आमरण स्थल पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं आए, जो कि प्रशासन की संवेदनशीलता पर एक प्रश्न चिन्ह है, जिस कारण लोकतंत्र पर वर्तमान इंस्पेक्टर राज्य कायम होने की चर्चाएं हैं। देखें इंद्र परमार की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश तिवारी। आप कब से अनशन बैठे हैं? मैं कल 30/8/2023 से 2 बजे बीच। किस कारण अनशन बैठे हैं? रीवा जिले की जनपद पंचायत जवा के सेवा सहकारी समिति पनवार की बचत बैंक में करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। जो लोग यहाँ अपना पैसा जमा किए हैं बैंक में, बचत बैंक में, उनका पैसा भुगतान समिति प्रबंधक के द्वारा नहीं किया जा रहा। इसके संबंध में सरोज तिवारी द्वारा और अन्य कई लोगों द्वारा आयुक्त सहकारी संस्थाएं रीवा से शिकायत की गई, बैंक में शिकायत की गई, अधिकारियों द्वारा जांच के राशि भुगतान करने के आदेश दिए गए, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो जिनका पैसा पड़ा उनका भुगतान किया जाए और यहाँ व्याप्त बैंक घोटाले की जाँच कराई जाए। इसी तरह जनपद पंचायत जवा के सीओ अरुण भरद्वाज के द्वारा पूरे ग्राम पंचायतों में, जैसे है ग्राम पंचायत लटियार, ग्राम पंचायत गहलवार, ग्राम पंचायत छतैनी, डभौरा, बौसार, जतरी आदि, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है, जिसकी कई बार ग्रामीणों ने शिकायत किया, सब किया, लेकिन उनके द्वारा शासकीय राज का ख्यानत करने वाले सरपंचों को जाँच करा करके आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किए जाते हैं। जहाँ कहीं भी जाँच में सिद्ध पाया भी जाता है तो आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई न करा के उसे यह निर्देश दिया जाता है कि तुम जो है जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत गुणवत्ता विहीन कार्य करा करके और जानकारी दे दो, तो मैं उसका पूर्ण मूल्यांकन करा के आपको आरोपों से बचा दूँगा। इसमें जनपद पंचायत जवासियों और यहाँ का दोषी एक तहसीलदार हैं सोनी जी, जिनके द्वारा जो है लोगों का काम, जो तहसील में है, जैसे फीडिंग राजस्व जमीन की फीडिंग, उन्हें खतरे से उड़ा दिया जाता है, फिर किसानों को परेशान किया जाता है खतरे में फीडिंग कराने के नाम पर, और किसान शोषित होता है। इन सब मांगों को लेकर के यहाँ मानसन किया गया है, जो यहाँ व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार तहसील और जनपद और बैंक में सेवा सहकारी समिति बैंक पनवार में उसकी जाँच करा करके तत्काल कार्रवाई की जाए और लोगों का भुगतान और न्याय दिया जाए, जिसका ज्ञापन 16 अगस्त 2021 को पूर्व में कमिश्नर रीवा को दिया गया था। कमिश्नर रीवा और जिला प्रशासन रीवा द्वारा किसी प्रकार की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और मैं यहाँ पर आमरण अनशन बैठा हूँ, पनवार थाना जिला रीवा मध्य प्रदेश। जब से आप अनशन बैठे हैं तब से कोई उच्च अधिकारी आए क्या? कोई भी उच्च अधिकारी यहाँ नहीं आया किसी का।